लेडीज़ का, तो बोले कि भैया हम लोग आ रहे हैं तो नेगेटिव ही चाहिए हमें और रिपोर्ट, ओके क्योंकि फ्लाइट है सुबह 7 बजे। तो मैंने बोले कि मैम देखो ऐसा है, आप सैंपल दोगे, जो टेस्ट में आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो आपको दिया जाएगा। अब वो नेगेटिव आया पॉजिटिव आया वो हम तो प्रेडिक्ट करके नहीं बैठे हैं, क्योंकि हमें तो नहीं पता है आप पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। अगर आप बिजनेस स्टार्ट किए, कोई बड़ा काम कर रहे हो, तो आप पैसे कमाने का सोच पहले से अगर डाल रहे हो तो फिर आप उसे आप एक्सपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि इंसानी दिमाग हमेशा ईजी रास्ता ढूंढता है और ओके हमेशा नेगेटिविटी के तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। ये बिल्कुल सत्य है, ये एकदम कथित सत्य है कि इंसानी दिमाग ही बना है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए। सो मिस्टर नावेद, अपने बारे में कुछ बताओ, मतलब कहाँ से स्टार्ट करें तुम्हारे लिए, मतलब तुम्हारी जो जर्नी है अभी छोटी सी एज में देखा जाए तो तुम एक कंपनी के मालिक हो, तो कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कहाँ से तुमने ये ऐसे अपने आप को इस ढांचे में बिल्डअप किया? ये एक आपने एक लाइन में मतलब कंटिन्यूसली आपने बोल दिया एक सांस में, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी आपको थोड़ा बहुत एक समराइज आंसर दे दूँ। तो मैं नावेद परवेज, तो मेरे नाम का मतलब है मैसेंजर ऑफ गॉड। तो ये भी मुझे तब पता चला था क्योंकि इस जो मेरे नाम रखे हैं वो मेरे नाना के साडू ने रखा था नाम, तो मेरे नाम का मतलब है कि मैसेंजर ऑफ गॉड। और फिर सिंस मतलब मैं थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ, अच्छा पहले मैं नहीं बोलता था, लोगों को थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ या फिर एडवाइस कर देता हूँ। अब पता नहीं लोग किस वे में लेते हैं उसका मुझे कभी अंदाजा नहीं है, ना ही मैं उसको कभी एसेस भी करता हूँ कि लोग को क्या लगा, बस आई एम डूइंग माई वर्क ओनली और मैं चलते जा रहा हूँ चलते जा रहा हूँ। तो ये जर्नी जो है इतनी बड़ी जर्नी नहीं है, तो एक छोटे से गाँव का लड़का, और मैं मुझे एक्चुअली नानी के घर वालों ने थोड़ा सपोर्ट किया, जो एजुकेशन और जो जो मैं ये दिख रहा हूँ या ऐसा हूँ जो आज यहाँ पे बैठा हूँ, तो मुझे एक्चुअली जो मैटरनल वाला मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरी माँ की फैमिली वालों ने अच्छे से सपोर्ट किया, क्योंकि उनके पास थोड़ा सा सही था वेल्थ और उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि मैं तो बहुत पोवर्टी से बिलोंग करता हूँ, वो एक अलग स्टोरी है, कभी फिर हम सुनाएंगे। तो एक बिल्कुल बिहार से आया हुआ बिहारी बंदा, बिल्कुल जिसको कॉलेज में जब मेरे मामा मुझे लेके गए तो IPHNH बोला उन्होंने, तो मुझे दिख भी नहीं रहा था कि IPHNH, मुझे ये लग रहा था कि IPH और H अलग से लिखा होगा, मतलब वो इस तरह का माइंड था कि मैंने देख भी नहीं पाया कि कहाँ पे लिखा हुआ है। तो तब मुझे पिज़्ज़ा का मतलब भी नहीं पता था, तो मैं उस टाइम पे आया और फिर आते ही मेरा एडमिशन हो गया DMLT में, MLT में एडमिशन किया, पढ़ाई पढ़ाई की, उसके बाद फिर इंटर्नशिप स्टार्ट किया, फिर जॉब वगैरह करते 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 मैं फिर फर्स्ट जॉब के पहले ही साल में मुझे पता चल गया कि मुझे क्वालिटी मैनेजर बनना है। तो छोटे छोटे गोल्स मेरे डिसाइडेड थे, तो जब मैं कभी गेहूं के खेत में सिंचाई करता था तब मुझे लगता था कि मुझे बारात अपने मामा की जो लेके जाना है वो एकदम ह्यूज बारात होनी चाहिए, क्योंकि तब मैंने वहाँ पे एक MLA का बारात देखा था जो एकदम लंबी ट्रेल गई थी पूरे गाड़ियों की। तो मैं अपने नाना से कहा था कि ऐसी बारात में मामा का करवाऊंगा, वो नहीं करवा पाया वो, क्योंकि तब वो तो बचपन ही ख्वाब मैंने उस टाइम पे देखा था। तो ये छोटे छोटे गोल्स मैंने, पहला गोल्स ये डिसाइड किया लिया अपने लिए कि मुझे क्वालिटी मैनेजर बनना है, वो तब पता चला जब मैं पहला जॉब स्टार्ट किया, तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा वो क्वालिटी का जॉब करना, क्वालिटी का काम करना। तो वहां से फिर मेरा स्टार्ट हुआ जर्नी, तब मैं लैब टेक्नीशियन वाला काम छोड़ चुका था, वो विद इन 6 मंथ फिर मैं क्वालिटी वाला ही काम करने लगा, होलसेल एक पूरी लैब का जो क्वालिटी वर्क है वो मैं ही देखने लगा। तब मैं मेरी डेजिग्नेशन थी जूनियर लैब टेक्नीशियन, तो वहाँ से स्टार्ट किया। फिर अब धीरे 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 फिर क्वालिटी मैनेजर की स्टैब्लिश एक पोस्ट में पहुँचा, और फिर वो जॉब क्विट करके अब मैंने अपनी खुद की एक डायग्नोस्टिक सेंटर स्टार्ट किया, और कई सारी चीज़ें लूपिन में हैं और कुछ आइडिया जो इतने तरह के आइडियाज आते हैं दिमाग में या फिर इतना अच्छा जो बोल लेता हूँ वो धीरे 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 इतनी सारी कंपनियों से, जो इतनी सारी और लोगों से मिला और जाना सीखा वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, और उसे फिर यहाँ पे आज आपके सामने है। अच्छा, अभी आपने बताया कि आप अपने अपने माइलस्टोन ऐसे धीरे छोटे 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 माइलस्टोन किए, फिर उसको आपने अचीव किया। तो सपोज अगर जो कोई
ऐसे अपना खुद का काम करना चाहे, अपनी खुद की कंपनी खोलना चाहे, तो उसके लिए उसको क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए, वो कैसे मतलब अपना खुद का काम खोल सकता है एक जॉब करते हुए, और ऐसे जैसे कि तुम बता रहे हो कि वहां से उस टाइप की फैमिली से बिलोंग करके तुमने यहाँ पे आके कंपनी एस्टेब्लिश की है, तो क्या प्रोसेस होना चाहिए उसका? देखो, इसका शॉर्ट एंड सिंपल आंसर है, बिल्कुल सिंपल ये है। इसका सब हर कोई बात बोलता है, लेकिन मैं उसको आपको प्रूवन फैक्ट बताता हूँ। अगर आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हो तो आप ये मत सोचो कि मैं पैसे कमा के बड़ा आदमी बन जाऊंगा, पैसे कमा लूंगा और खूब पैसा कमाऊंगा, पैसे कमा के अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लूंगा, या पैसे कमाने के लिए आप अगर डाल रहे हो या पैसे कमाने के लिए वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका वो बिजनेस एक लिमिटेड ही रहेगा, आप कभी उसे एक्सपेंड नहीं कर पाओगे। हर कोई बंदा, हर एक आप इंटरव्यू पे हर एक बड़े बड़े सक्सेसफुल बंदे का आप ये इंटरव्यू उठा के देख लो, हर एक बंदा यही बोल रहा है कि पैसे कमाने के लिए आप अगर बिजनेस खोले, अगर आप बिजनेस स्टार्ट किए कोई बड़ा काम कर रहे हो तो आप पैसे कमाने का सोच पहले से अगर डाल रहे हो तो फिर आप उसे आप एक्सपेंड नहीं कर सकते। उसके पीछे ना ये वर्ड बहुत अच्छा है, एकदम सिंपल है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे ना बहुत पूरी एक बैकग्राउंड है कि क्यों ऐसा कहा जाता है, उसके पीछे वाला समझने की कोशिश नहीं करता कोई। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से समझाता हूँ कि मुझे लाइफ में करना था कुछ, मुझे जॉब नहीं करना था शुरू से, मैं हर जगह गया, मैंने रिएजेंट्स भी बेचे, सब कुछ बेचे, वो एक मेरा अलग पार्ट है जो मैंने किया। मैंने रिएजेंट बेचे, मैंने एकदम 4-4 घंटे बस में ट्रैवल करके गया, कंसल्टेंसी दिया NABL का, मैंने सब कुछ किया वो काम धूप में जाके। लेकिन जब मेरी खुद की बारी आई कि मैं कुछ स्टेप लेके मैं खुद अपना खुद का खोलूं, तो वो मैं जो किया सच में ये मैं किया हूँ पैसे के लालच में और पैसे कमाने के लालच में, वो इसलिए क्योंकि मुझे दिखा किसी, जब बिल्कुल कटुक क्लियर बात करते हैं, कोविड 2020 में मेरी जॉब छूटी, मैं एक रेप्यूटेड लैब में था एज ए क्वालिटी मैनेजर, CAP ठीक ठाक पोस्ट में था, तो लेकिन उस टाइम पे सब बहुत डरे हुए थे, फर्स्ट वेव कोविड का बहुत डरे हुए थे सब, मैं भी डरा हुआ था कि तभी ये लग रहा था कि भाई कब मर जाए कुछ पता नहीं है। तो मैं जॉब नहीं गया तो वो जॉब मेरी लूज हो गई, जॉब डिसकंटिन्यू कर, फिर मैंने 1-1.5 महीने घर पे रहा, कुछ चीज़ें स्टार्ट की घर पे ही बैठे बैठे, फिर तुम मिले, उसके बाद फिर मैंने एक लैब और ज्वाइन किया, उस लैब में एक्रेडिएशन करवाया और कोविड वहाँ पे स्टार्ट करवाया, तब तक सेकेंड वेव आ चुका था, कोविड का सेकेंड वेव आ चुका था, मतलब 8-10 महीने का गैप था उसमें। सेकेंड वेव जब तक आया ना, तो एक दिन का सैंपल्स, नंबर ऑफ सैंपल्स उस लैब में 4,000-4,500 था। जब 1 महीने की बैलेंस शीट मैंने देखी तो मेरा ना होश उड़ गया देख के, जब मैंने देखा तो तब लोग ब्लैक में आके टेस्ट कराते थे क्योंकि वो टेस्ट कराना चाहते थे, और सबके पास इतना ज्यादा क्यू था सभी लैब के पास कि कोई बंदा टेस्ट नहीं कर पा रहा था अपना, तो 2-3 दिन की वेटिंग थी, अगर किसी को जानना भी तो उस बीच में मर भी जाते थे लोग, कोविड की रिपोर्ट आई नहीं और मर गए कोविड से, ऐसा हालत था उस टाइम पे। तो वो उस टाइम पे मैंने देखा कि 800-800 रुपये, 1,000 रुपये, 1,200 रुपये खुद दे रहे हैं पेशेंट और बोले कि मेरा टेस्ट करवाओ, जबकि रेट गवर्नमेंट का सिर्फ 800 था उस टाइम पे, 1,200-2,000 लोग देते थे लैब वाले को और खुद करते थे। मैंने वो एक्स्ट्रा वाला पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, जो स्टैंडर्ड अमाउंट था उस अमाउंट पे की बात कर रहा हूँ कि उस अमाउंट पे जब मैं 1 महीने की बैलेंस शीट देखी उस लैब का, मेरा होश उड़ गया, और वो पीक था उस टाइम पे, और उसी टाइम पे फिर ऐसी डिनर पे हम बैठे थे और लालच में ही मैंने ये वाला काम अपना लैब स्टार्ट किया कोविड का, और मैं NABL का एक्सपर्ट बन रहा हूँ, मैंने एक्रेडिएशन जितनी रजिस्ट्रेशन वगैरह थी बहुत जल्दी कर दिया मैंने, जब तक किया मैं तब तक कोविड का वेव चले गया और मैं कुछ खास कमा नहीं पाया। तो मेरा जो पैसा कमाने का लालच, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पैसे कमाने के लालच से मैंने स्टार्ट किया, मेरे पास विजन नहीं था उस टाइम तक क्लियर, मुझे था करना लेकिन लैब कभी नहीं खोलना था मुझे, मैंने लैब सिर्फ इसलिए डाला कि मुझे पैसे कमाने हैं, और पैसे कमा के जब 2 महीने भी अगर मेरा चल गया कोविड का काम और पैसे मैंने कमा लिए, उसके बाद मैं एक्सपेंड करूंगा इसे। मैंने स्टार्ट किया पैसे कमाने का सोच लेके, और उसका नतीजा ये हुआ कि मैंने 1 साल तक उसको झेला है अपने सेविंग से पैसे दे दे के, उसको मैं ग्रो नहीं कर पाया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं क्लियर ही नहीं था अपने थॉट के लिए कि मुझे करना क्या है, इसको लेके जाना कहाँ है।
तो ये चीज जो है, ये थॉट अगर आपका डे वन से क्लियर है कि आप कर रहे हो, कौन सा गैप आप मार्केट की कौन सी गैप को खत्म कर रहे हो, प्रॉब्लम लोगों का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हो, या फिर कुछ नया इनिशिएटिव कैसे ला रहे हो, कुछ नया बिल्कुल इनोवेशन कैसे ला रहे हो, वो जब आप करोगे ना तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके साथ लोग जुड़ते जाएंगे। और मैंने सिर्फ पैसे देख के किया, और वो एक साल मैंने, मुझे पता है कि मैंने कैसे सफर किया है, मैंने घर से लोन ले लेके पैसे दिए। अच्छा, तो जैसे कि तुम बता रहे हो लोग बिजनेस करते हैं, अगर जो पैसों के लिए कोई बिजनेस कर रहा है तो वो सक्सेस नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि पैसे। अभी तुम्हारा क्या विजन है अपने इस लैब? मेरा जो अब लैब को लेके जो विजन ये है, मैंने एक साल के बाद बहुत चीजें सीखी और बहुत चीजें ऑब्जर्व किया और काफी सारी चीजें देखा मेडिकल में जो गैप है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आज मेडिकल लाइन में, हम लोग के इंडिया में लॉ बहुत पुअर है, लॉ कई सारे मामले में पुअर है, कई सारे मामले में ठीक है, क्योंकि लोग वहां आवाज उठाया है तो उनके हित में लॉ बनते गया है। और जैसे महिलाओं के लिए, महिलाओं ने आवाज उठाया, उनके लिए पुरुष भी आगे बढ़ के आए, बहुत सारे कांड हुए, तो उनके लिए लॉ अच्छे बने, सिस्टम अच्छा बना। आज दिल्ली में एक टाइम ऐसा था कि आपको रात भर आप ऐसे भटक जाओ कहीं पे, आपको कोई पूछने वाला नहीं था, आपको पुलिस तक नहीं दिखती थी, एक पुलिस के नाम का पी भी नहीं दिखता था। अब ये 5 मिनट कहीं पे रोड में खड़े हो जाओ, आपको पुलिस का जीप आके सायरन पूछ के जाएगा कि भैया क्या चल रहा है। तो इस तरह का जो बिल्ड हुआ है, ये जो बिल्ड हुआ है, जो रेप का जो रेट था वो कम हुआ है, रेप का जो रेशियो था रेप का और बाकी सारी चीजों का महिलाओं के साथ जो हुआ है वो दिल्ली में कम हुआ है। वो कम इसलिए हुआ क्योंकि वो सिस्टम धीरे धीरे बिल्ड हुआ। वो सिस्टम तभी बिल्ड हुआ जब गवर्नमेंट को याद दिलाया है। यहाँ का गवर्नमेंट सोती रहती है, आपको याद दिलाना पड़ता है कि भाई हमें ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है, अब ठीक करने की जरूरत है, तब जाके वो 3-4 साल 5 साल बाद इम्प्लीमेंट होता है। तो ये सिस्टम पहले से फिशरिटिक सिस्टम नहीं है हम लोग का, और ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें। इसी तरह से मेडिकल लाइन में, मेडिकल लाइन में इतनी धांधली हो रही है, इतनी धांधली, किसी को इलम तक नहीं है। मैं एज ए पेशेंट, मुझे जहां पे फायदा दिख रहा है, मैं ऐसे ऐसे पेशेंट के साथ बात किया हूँ, ऐसे ऐसे पेशेंट के साथ जिनको लगता है कि मैं उनको बुलाऊं और बुला के पहले उनको अच्छे से ज्ञान दूं या उनके ऊपर FIR करूं। जैसे कि क्या हुआ, कुछ बता? एक पेशेंट मेरे पास कॉल करता है कॉल सेंटर में, मैं ही था लाइन पे, तो उसको एयरपोर्ट मतलब उसको प्लेन थी, सुबह 7 बजे की टिकट थी, ठीक है, वो रात को 24/7 हम लोग स्टार्ट हैं। तो उसने मुझे कॉल किया, रिसेप्शन में कॉल किया, मैं ही था रात में, तो मैंने उठाया, तो बोले कि उसने बोले कि सर हम टेस्ट करवाने आ रहे हैं, और वो कुछ आ रहा था रोहिणी की तरफ से, ठीक है कोई नहीं आ जाओ आप, आपको रिपोर्ट सुबह मैं रात में प्रोसेस करवा के सुबह सुबह आपको एयरपोर्ट आप पहुंचोगे आपको रिपोर्ट हाथ में मिल जाएगी, क्योंकि 4 घंटे तो प्रोसेस करने में भी लगते हैं, तो आपको मिल जाएगी। मैंने ये चीज़ बोला उनसे, बोले कि ठीक है आ जाओ, लोकेशन लगा के रास्ते तक पहुंचा। पता नहीं उनके साथ कोई लेडी थी, मस्ट बी वाइफ, तो उनको उनके बाद उनके आधे घंटे बाद उनका कॉल आया मेरे पास, तो लेडीज का, तो बोले कि भैया हम लोग आ रहे हैं तो नेगेटिव ही चाहिए हमें रिपोर्ट, क्योंकि फ्लाइट है सुबह 7 बजे। तो मैंने बोले कि मैम देखो ऐसा है, आप सैंपल दोगे, जो टेस्ट में आएगा जो रिजल्ट आएगा वो आपको दिया जाएगा। अब वो नेगेटिव आया पॉजिटिव आया वो हम तो प्रेडिक्ट करके नहीं बैठे हैं, क्योंकि हमें तो नहीं पता है आप पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। एग्जैक्टली, हमें तो बिल्कुल नहीं पता है, हम तो वही देंगे जो आपके रिजल्ट में आएगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम देखते हैं। फिर मैंने उसको काफी समझाने की कोशिश किया कि सर ये कोई भी लैब में करवाओगे आप तो ऐसा तो प्रेडिक्ट करके कोई भी नहीं देने वाला है, मैं भी नेगेटिव कैसे प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, आप नेगेटिव हो गए तो नेगेटिव आएगा, नहीं हो गए तो नहीं आएगा, मैं तो जबरदस्ती पॉजिटिव नहीं कर सकता, जबरदस्ती नेगेटिव तो कर नहीं सकता आपको, है ना। तो मतलब ठीक है सर मैं फिर कहीं और से करा लूंगा, नेगेटिव देने वाले लैब और भी हैं। मैंने कुछ नहीं ऐसा बोला, पेशेंट ने ऐसा खुद बोला। तो मैंने कुछ नहीं बोला, फोन काट दिया मैंने। बहुत मुझे उस टाइम पे बहुत लिटरली बहुत गुस्सा आया उस आदमी पे, इसलिए गुस्सा आया कि एज ए ह्यूमन, एज ए पब्लिक और एज ए इंडियन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की या सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेसमैन की या सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं है जिसके पास पैसे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है।
आप अगर बोल रहे हो कि भाई मैं तो कहीं और से करा लूंगा, आप फोर्स कर रहे हो लैब वाले को गलत काम करने के लिए, आप फोर्स कर रहे हो। बोले कि कोई नहीं 200 रुपए एक्स्ट्रा ले ले, लेकिन तू मेरे को नेगेटिव दे। लेकिन लैब का ऑनर को नहीं पता है, लैब का ऑनर तो ऊपर बैठा हुआ है, वो अपना कंट्रोल कर रहा है काम को। तुम स्टाफ के पास जाओगे, हो सकता है उसकी स्टाफ की सब जगह क्राइसिस है, 200 रुपए एक्स्ट्रा दोगे, बोले कि ठीक है मैं किसी और का सैंपल रन, आपका सैंपल रख देगा, किसी और का सैंपल रन करके दे। ऐसा ऐसा ये एक एग्जांपल है, ऐसा बहुत होता है, बहुत नेक्स्ट लेवल की चीजें मेडिकल में। जब मैं आया इस फील्ड में और मैं जब काम करना स्टार्ट किया, तब मैंने देखा, तब मैंने जाना कि क्या कांड चल रहा है। तो अगर उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे इस पॉडकास्ट में तो जरूर बताऊंगा। तो जो चीजें बहुत सुधारने की जरूरत है हमें, हम हमेशा गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं या किसी और चीज को ब्लेम करते हैं। गवर्नमेंट का ऑब्वियसली बहुत बड़ा रोल है, और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को पता नहीं है, और ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का कंट्रोल में नहीं है। आप कोविड का ड्राइव, मात्र कोविड आया सिर्फ 2-3 दिन के अंदर अंदर पूरे इंडिया में, पैन इंडिया कोविड का ड्राइव स्टार्ट करवा दे तो सब जगह आप बताओ, इम्प्लीमेंट करने में 1 हफ्ते से भी ज्यादा नहीं लगा टाइम, 1 हफ्ते से अंदर अंदर जब कोविड फर्स्ट वेव आया, सारे सिस्टम सब कुछ ऑनलाइन वगैरह सब कुछ सारा सिस्टम आपने कितने दिन में कर दिया, मात्र 1 हफ्ते के अंदर। आपके पास पावर है, आप उसका यूज करो ह्यूमन काइंड के लिए, मैनकाइंड के लिए यूज नहीं हो रहा है। क्योंकि इसमें ना सिर्फ एक बंदा सिर्फ छोटे वाला प्यादा नहीं है, इसमें हर एक बंदा, हर एक लेवल का बंदा इसमें जुड़ा हुआ है ये मेडिकल के क्राइम में। और बहुत तगड़े लेवल का माफिया भी चल रहा है मेडिकल में, जो लोगों को अभी जो पब्लिक जो ये सब करा रही है ना, उसको इलम भी नहीं है कि उसको बिल्कुल भी नहीं है इस, मतलब हल्का सा भी नॉलेज नहीं कि वो किस तरह का गलत चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं और उसके नाक के नीचे कितनी गलत चीजें हो रही है। अच्छा मेरे ना दो क्वेश्चन, गलगेर वाला कर दे, फोन कर रहा है। अच्छा मेरे ना दो क्वेश्चन है अभी यहाँ पे, अभी जो भी आपने बात बताई। एक तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं कर रही है, जब सब सारी प्रॉब्लम्स पता है गवर्नमेंट को कि हाँ यहाँ पे ये चीज चल रही है, यहाँ पे ये चीज चल रही है। एग्जैक्टली देखा जाए तो मतलब गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई है प्रॉब्लम कहाँ पे है, राइट? तो गवर्नमेंट उस पर स्टेप क्यों नहीं ले रही है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा ये है कि यही लोग होते हैं जो मतलब अभी आपने बताया कि पेशेंट ने कॉल किया आपको रिपोर्ट मैनिपुलेट करके देने के लिए बोला है, यही लोग होते हैं, इनको रिपोर्ट अगर जो इनके हिसाब से बना के दे दो तो वेल एंड गुड है। अगर जो एक टाइम आएगा कि कभी सीरियसनेस कोई रिपोर्ट्स होगी इनकी, तो उस टाइम पे अगर जो इनको दिया जाए तो फिर यही लोग होते हैं फिर उसके खिलाफ हो जाते हैं। एग्जैक्टली, राइट? एग्जैक्टली। देखो तो मुझे लगता है ओवरऑल जो है करप्शन जो चल रहा है, जो चीजें बिगड़ी हुई है, मतलब ग्राउंड लेवल पे जो चीजें बिगड़ी हुई है, उसमें किसका हाथ है ज्यादा करके, ये मैनेजमेंट या गवर्नमेंट का या फिर आम पब्लिक आम जनता का है? देखो इसमें मैं नंबर दूंगा, मैनेजमेंट का नाम लो आप, गवर्नमेंट का भी नाम ना लो। ओके, मैनेजमेंट को आप 80% दो, 20% पब्लिक को दो। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इंसानी दिमाग हमेशा इजी रास्ता ढूंढता है। Okay. और हमेशा नेगेटिविटी के तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है, ये बिल्कुल सत्य है, ये एकदम कथित सत्य है कि इंसानी दिमाग ही बना है वो नेगेटिव के तरफ अट्रैक्ट होने के लिए, नेगेटिव के तरफ अट्रैक्ट होएगा। लेकिन उसको कंट्रोल कहां से किया जाता है? लॉ से, स्ट्रांग लॉ से। स्ट्रांग लॉ से कौन करेगा? वो मैनेजमेंट करेगा। वो मैनेजमेंट कहाँ का? इंडिया का मैनेजमेंट कौन करेगा? मैं आपको आपके दोनों आप एक क्वेश्चन आपका है कि गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट को पता है उसके बाद भी ये चीजें ठीक क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं कर पा रहा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि अगर एक रिपोर्ट मैं एज ए पेशेंट अभी मुझे नीड है, मुझे कहीं पे फ्लाई करना है, मुझे नीड है, तो मैं नेगेटिव तो करवा लूंगा। जब मुझे ऑपरेशन, मुझे हो सकता है कि 6 महीने बाद किडनी फेलियर हो जाए, तब मुझे सच में मुझे एक्चुअल रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि मेरा लाइफ उसी में टिका हुआ है कि अगर मेरा कोविड पॉजिटिव हुआ और नेगेटिव करके दे दिया तो मेरा ऑपरेशन में ही ओटी में ही मौत हो जाएगा। तब फिर मुझे तो अभी मैं 6 महीने बाद का मैं मुझे बिल्कुल वो नहीं है, इलम नहीं है। 6 महीने बाद जो होगा ना तब मैं सोचूंगा, तब मैं गौर करूंगा। और बहुत लोगों को गौर भी नहीं होता है फिर सब, तब क्या होता है कि डॉक्टर लाल है ना, डॉक्टर लाल को भेज दो। भाई सिर्फ डॉक्टर लाल पे भरोसा क्यों है? क्यों आप डॉक्टर नहीं, मैं ये डॉक्टर लाल अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा है,
क्या डॉक्टर आपके पास हमेशा दो ऑप्शन नहीं होना चाहिए? एग्जैक्टली होना चाहिए। अगर आपके पास कॉम्पिटिटर बिजनेस में अगर कॉम्पिटिटर नहीं है, सिर्फ एकलौता डॉक्टर लाल ही होगा, तो आपका आपका हमेशा मिसयूज किया जाएगा। क्योंकि डॉक्टर लाल, अगर मान लो कि हमारे गवर्नमेंट में इतने सारे चेक्स ना हो, पूरा पावर राष्ट्रपति को दे दिया जाए, तो राष्ट्रपति तो हो सकता है कि अपना मनमानी करे ना, बिल्कुल पॉसिबल है, कर सकता है। तो सिर्फ हम डॉक्टर लाल को ही रखे हैं ऊपर और कोई उसका कंपीट में है ही नहीं, तो गलती हमारी है और हमारा उपयोग किया जाएगा, हमारे अच्छे के लिए नहीं, हमारे बुरे के लिए। तो उसके कॉम्पिटिटर में सेम उसी का सर्विस देने वाला उसके कॉम्पिटिटर में होना चाहिए, जो अच्छा सर्विस दे रहा हो, जो एग्जैक्ट एक्यूरेट रिपोर्ट दे रहा हो। सिर्फ डॉक्टर लाल नहीं होना चाहिए। तो उसको खत्म किसने किया है? उसको मैंने खत्म किया है। क्यों? जब वो अच्छा काम करने जा रहा था बुरा के लिए, मैंने उसे इम्प्रूव, मैंने उसे इन्फ्लुएंस किया है, मैंने उसे पैसे दिए हैं। अगर मैं नहीं उसको बोलता तो वो एक्यूरेट काम करता और वो स्ट्रगल करके आज खड़ा होता, उसको मैंने किया है। अब आपका पहला क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि गवर्नमेंट क्यों नहीं कर पाता है। उस वो क्वेश्चन हम तब उसका आंसर दे पाऊंगा जब हम चलेंगे कि होना क्या चाहिए मेडिकल में, खास करके लेबोरेटरी और कोई भी मेडिकल। अभी जो अभी एक सेकंड रोकना चाहूंगा, अभी जो इसमें मेडिकल फील्ड में आप बता रहे हो ना, बहुत सारे बग्स चल रहे हैं, इस पे हम थोड़ा बाद में बात करेंगे, पहले ये वाला क्वेश्चन क्लियर करते हैं, देन उस पे हम आते हैं कि कहां कहां एक्चुअल क्या क्या चल रहा है। हाँ, तो वही मैं पहले बताता हूँ कि कैसे मतलब आखिर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल कैसे है कि वो नहीं कर पा रहा है काम मैनेजमेंट। यस, और उसके लिए आपको दूसरा समझना पड़ेगा कि जो अभी का सिनेरियो है, वो जो चल रहा है, वो सिनेरियो जो चल रहा है उसके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, तब आपको समझ आएगा कि मैनेजमेंट क्यों नहीं कर रहा है। तो अभी ऐसा है, आप अगर कोई आप अगर कोई किया का गाड़ी आप कोई मारुति सुजुकी 800 ले रहे हो, या कोई अल्टो ले रहे हो, कोई स्विफ्ट ले रहे हो गाड़ी, आप इंडिया के किसी भी कोने में जाओ आपको एक ही रेट मिलेगा। आप डोमिनोज का पिज्जा खा रहे हो, आपको 300 रुपये में अगर दिल्ली में मिल रहा है, आपको वही 300 रुपये में आपको केरला में भी मिलेगा, आपको बिल्कुल महाराष्ट्र के छोटे से गांव में भी मिलेगा, बिहार के छोटे से गांव में भी, वहां पे भी आपको 300 रुपये का ही मिलेगा, वहां पे आपका रेट ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, जब रेट यूनिफॉर्म है, उसने ऐसा बनाया है सिस्टम बड़ी बड़ी कंपनियों ने, तो उसमें क्या होता है, रेट यूनिफॉर्म है, आप रेट कहीं पे कम या कहीं पे ज्यादा नहीं है, कई सारे फ्लॉज हैं। जो अगर मैं सिर्फ मारुति का बात करता हूँ अभी, अल्टो की, अल्टो अगर मैं श्रीनगर में ले रहा हूँ तो मेरे को 3 लाख रुपए में पड़ रहा है, वही मैं बिहार के किसी गांव में ले रहा हूँ वहां पे भी 3 लाख रुपए पड़ रहा है, और मैं केरल में ले रहा हूँ वहां पे भी 3 लाख रुपए पड़ रहा है। लेकिन अल्टो बनता तो नहीं है सब जगह, अल्टो ट्रांसपोर्ट होता है ना, अल्टो हरियाणा में कहीं किसी एक फैक्ट्री में बन रहा है, वहां से ट्रांसपोर्ट होकर डीलर के पास जाता है, उस डीलर वो बेचता है, डीलर को एक एक्सक्लूसिव राइट दे दिया गया है कि भाई मैं इस रेट पे बेचूंगा, यहाँ पे 3 लाख आपके स्टैंडर्ड रेट पे ही बेचूंगा, आप मुझे इतना मार्जिन दो। तो जो भी ये मार्जिन अंदर है, और मार्जिन भी इतना है कि डीलर ट्रांसपोर्ट सही से करा सके, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में सही नहीं दूंगा तो रास्ते में डैमेज हो जाएगा। यस, रास्ते में डैमेज हो जाएगा वो तो लेगा नहीं कोई, है ना। अब मेडिकल लाइन में क्या हो रहा है, कोई स्टैंडर्ड रेट नहीं है किसी भी पैरामीटर का। जब स्टैंडर्ड रेट नहीं है, अब आते हैं दूसरी बात, स्टैंडर्ड रेट अगर होगा उसमें गवर्नमेंट को स्टैंडर्ड रेट होना चाहिए B2B के लिए भी और B2C के लिए भी। तो हमारे को हर एक मेडिकल सर्विसेज का एक स्टैंडर्ड रेट डिसाइड करना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट को तय करना पड़ेगा। जैसे गवर्नमेंट ने कोविड का तय किया है, उसी तरह से हर एक का टेस्ट का रेट डिसाइड कर दे, ये रेट इतने रुपए का ही होगा पेशेंट से, और उसमें डिस्काउंट जो करेगा लैब वो मैक्सिमम 10-20% इतना उसका भी एक क्राइटेरिया बन जाएगा। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को टेस्ट करना है तो वो कौन पेशेंट होंगे और कितना होगा वॉल्यूम नंबर पूरे दिन में, पूरे महीने में, उसका भी एक क्राइटेरिया बना के देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, अब ये तो हो गया डायरेक्ट B2C के लिए। अगर मैंने कलेक्शन सेंटर खोला है
मैं 500 रुपए के रेट में उठा रहा हूँ, मुझे 20% डिस्काउंट देना है, तब भी मेरे पास ठीक ठाक अमाउंट आ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने हर एक टेस्ट में सफिशियंट अमाउंट लिया है, स्टैंडर्ड अमाउंट लिया है, तो मैं आगे सभी क्वालिटी को अच्छे से मेंटेन कर पाऊंगा, तभी मैं आगे ठीक ठाक अमाउंट में भेजूंगा भी, लैब भी सही से क्वालिटी मेंटेन करके और सारा प्रोसेस ढंग से करके टेस्ट लगा के हमारे को रिपोर्ट देगा। जब हमारे को देगा तो पेशेंट भी को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पेशेंट को रिपोर्ट मिलेगा तो कल्याण होगा, तो पेशेंट को डॉक्टर लाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमारी एजुकेशनल सिस्टम है बना हुआ, एजुकेशन सिस्टम है गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं उसमें सही से पढ़ाई नहीं होती, तभी लोग प्राइवेट की तरफ भाग रहे हैं। तो हम हर एक बंदा डॉक्टर लाल की तरफ भाग रहा है, क्यों? क्योंकि हमने खुद बनवाया है। और गवर्नमेंट को स्ट्रांग होना पड़ेगा कि भाई स्टैंडर्ड रेट फिक्स होगा, तुम्हारे को डॉक्टर लाल में भागने की जरूरत नहीं है, जो भी लैब नियर बाई हो उनसे ही टेस्ट कराओ, आपको 100% क्वालिटी मिलेगी। आप ये, क्योंकि इन सब चीजों में बिजनेस आप नहीं कर सकते, ये क्योंकि आदमी के लाइफ से तुरंत जुड़ा हुआ है। और ऐसे हिस्ट्री में हजारों केसेस हैं इंडिया में, जो छोटी छोटी गलतियों की वजह से, छोटी छोटी मेडिकल टेस्ट की वजह से और इनअप्रोप्रिएट किए ऑपरेशन करने की वजह से आदमी की डेथ हो गई है। अच्छा, और इसके अलावा एक तो हो गया ये आपका B2C मॉडल। B2B मॉडल में इतनी ज्यादा, इतनी कचरे की भाव और कचरे वाली मार्केट है ना, मतलब नो वन एल्स इमेजिन कि किस तरह की मार्केटिंग चल रही है और किस तरह का रिपोर्ट रिलीज कर रहे हैं हम। मैं आपको एक डाटा भी बताऊंगा, पहले इसका मैं बताता हूं कि B2B क्यों होना चाहिए। तो B2B का रेट भी एक 100% में, 100 रुपए में कितना B2B का एक मिनिमम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होना चाहिए, वो भी होना चाहिए कि मैं अगर B2B वाला हूं, मैं किसी पेशेंट से सैंपल लिया, उसके बाद मैं किसी और लैब से रिपोर्ट करा के दूंगा, तो मैं किस रेट पे भेजूंगा उसे, तो मेरा भी मार्जिन बच जाए, उस लैब का भी बचे, क्योंकि उस लैब को प्रोसेस करके देना है, राइट। तो उस